Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agricultural Entomology. Today we are going to discuss about IPM modules for different crops. Guys, firstly हम बात करते हैं IPM module के बारे में. The information about pest of a specific crop, pest monitoring, main IPM strategies to be followed for management of pest of a crop is an IPM module for the specific crop. That means हम कह सकते हैं कि किसी एक इंसेक्ट पेस्ट का क्रॉप के साथ एसोसिएशन, उस पेस्ट की पहचान, उस क्रॉप की पहचान और पेस्ट की मॉनिटरिंग के बाद में जो भी हम आईपीएम स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, इन सभी को समेकित रूप से आईपीएम मॉड्यूल कहा जाता है. आईपीएम मॉड्यूल के कुछ बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. इन आईपीएम मॉड्यूल इस carefully developed by the expert for every crop. सभी क्रॉप के लिए IPM modules हम अलग अलग अपनाते हैं जो कि experts, scientists, researchers के द्वारा develop किया जाता है, जिसमें firstly हम बात करते हैं major pest की, क्योंकि हम IPM अपनाने से पहले हमको पता होना चाहिए जिस क्रॉप में हम IPM अपनाते हैं, जिस क्रॉप में हम IPM का वैलिडेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, उसके मेजर पेस्ट कौन कौन से हैं. तो मेजर पेस्ट, सबसे पहले बात तो मेजर पेस्ट होता क्या चाहिए. पेस्ट ऑफ नेशनल एंड रीजनल सिग्निफिकेंस दैट इंक्लूड्स इंसेक्ट पेस्ट, डिसीजेज, वीड्स, रोडेंट्स, नेमेटोड्स एट्सेट्रा. मेजर पेस्ट कोई भी हो सकते हैं, नेशनल या फिर रीजनल सिग्निफिकेंस के, जिनके बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं जिनके द्वारा. फर्स्टली जो है आईपीएम मॉड्यूल में फर्स्ट जो वर्क है, फर्स्ट जॉब है, वो है पेस्ट मॉनिटरिंग का. हम पेस्ट मॉनिटरिंग करते हैं. पेस्ट मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है, पेस्ट मॉनिटरिंग के आधार पे हमें पता चलता है कि किसी पेस्ट का ETL क्या हो सकता है. ETL दैट मीन्स इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसके जहाँ पे हम पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स अपनाते हैं. दैट मीन्स वो पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी लेवल जहाँ पे हम पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स अपनाते हैं. पेस्ट मॉनिटरिंग में फर्स्ट है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस. एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस इज एन अप्रोच विच कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड बाय एक्सटेंशन फंक्शनरीज एंड फार्मर्स टू एनालाइज फील्ड सिचुएशन विथ रिगार्ड टू पेस्ट, सॉइल कंडीशन, प्लांट हेल्थ, the influence of climate factor and their interrelation for growing healthy crop. Such a criteria analysis of the field situation will help in taking appropriate decision on management practices. The basic components of agro ecosystem analysis are plant health at different stages, because pest ka attack hone pe plant ka health bahut hi कमज़ोर हो जाता है. तो इसलिए पेस्ट का अटैक और प्लांट हेल्थ का डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं. दैट मीन्स प्लांट हेल्थ का रिलेशन डायरेक्टली पेस्ट से ही होता है, पेस्ट के अफेक्ट से. बिल्ड इन कंपेंसेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स. नेक्स्ट इज पेस्ट एंड डिफेंडर पॉपुलेशन डायनामिक्स. दैट मीन्स पेस्ट और उनके नेचुरल एनिमीज के पॉपुलेशन डायनामिक्स, उनके नेचुरल इनिमीज का पॉपुलेशन कितना है. नेक्स्ट वन इज सॉयल कंडीशन. सॉयल कंडीशन के अकॉर्डिंग पेस्ट जो क्रॉप होते हैं वो पेस्ट के लिए ससेप्टेबल हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर. देन फार्मर्स पास्ट एक्सपीरियंस. नेक्स्ट है सर्वे, सर्वे या फील्ड स्काउटिंग. सर्वे और फील्ड स्काउटिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पेस्ट मॉनिटरिंग के लिए. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का वो लेवल होता है जहाँ पे हमें पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स अपनाने चाहिए, जहाँ पे पेस्ट पॉपुलेशन का, पेस्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है तभी हम IPM या किसी भी प्रकार के कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं, अन्यथा हमें और अधिक नुकसान हो सकता है. तो इसमें इसके पश्चात इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे अगर
पेस्ट पॉपुलेशन पहुंचता है तब हमें आईपीएम स्ट्रेटजीज अपनाने पड़ते हैं। आईपीएम स्ट्रेटजीज में हम कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल मेजर्स, वीड मैनेजमेंट, निमेटोड मैनेजमेंट, रोडेंट मैनेजमेंट एट्सेट्रा हम अपनाते हैं। इन सभी चीज़ को करने के साथ ही हम सेफ्टी पैरामीटर्स का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी हम कंट्रोल मेजर्स अपना रहे हैं, किसी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। डज एंड डजेंट इन पार्टिकुलर क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक क्रॉप में अपनाए जाते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप में हमें उन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को नहीं करना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ जो आईपीएम मॉड्यूल है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है आईपीएम मॉड्यूल फॉर राइस। हमें राइस के फील्ड में आईपीएम मॉड्यूल किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड यूज़ ऑफ एक्सेस नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। एक्सेस नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की यूज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो क्रॉप के वेजिटेटिव ग्रोथ तो क्रॉप में वेजिटेटिव ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, बट इनके वजह से प्लांट बहुत ही ससेप्टिव हो जाते हैं और ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं। तो ब्राउन प्लांट हॉपर से बचाने के लिए हमें एक्सेस नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के यूज़ को अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट इज रिमूव या डिस्ट्रॉय स्टबल्स आफ्टर हार्वेस्ट, बिकॉज बहुत सारे जो पेस्ट रेसिड्यू हैं वो क्रॉप रेसिड्यू में बचे हुए होते हैं, तो इसलिए हमें क्रॉप रेसिड्यू को नष्ट कर देनी चाहिए जला के या किसी अन्य माध्यम से। ट्रिम फील्ड बर्न्स एंड कीप फील्ड फ्री फ्रॉम वीड्स, हमें क्लीन कल्टीवेशन यूज़ करनी चाहिए, वीड्स फ्री फील्ड होनी चाहिए, क्योंकि जो वीड्स होते हैं पेस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट के रूप में काम करते हैं। कंट्रोल एरिगेशन बाय इंटरमिटेंट ड्रेनेज टू मैनेज ब्राउन प्लांट हॉपर, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फील्ड, बिकॉज कंटिन्यू वेट कंडीशन में ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करनी चाहिए वेटिंग और ड्राइंग को। अवॉइड क्लोज प्लांटिंग, क्लोज प्लांटिंग भी ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। उस कंडीशन में, क्लोज प्लांटिंग कंडीशन में धूप जड़ तक नहीं पहुंच पाते, जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो सकता है। प्रोवाइड रॉग स्पेसिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर एट एवरी 2.5 मीटर, हर 2.5 मीटर, हर 2.5 मीटर के बाद में 30 सेंटीमीटर का स्पेसिंग छोड़ना चाहिए। लाइट ट्रैप का यूज़ करना चाहिए, लाइट ट्रैप टू मॉनिटर इंसिडेंस ऑफ पेस्ट, कौन कौन से पेस्ट आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड रिसर्जेंस इंड्यूसिंग केमिकल्स अगेंस्ट बी पेस्ट लाइक मेथाइल पैराथियन एंड क्विनॉल फॉस, मेथाइल पैराथियन या क्विनॉल फॉस जैसे केमिकल्स को हमें राइस के फील्ड से दूर ही रखना चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये बीपीएच के रिसर्जेंस को बढ़ावा दे सकता है। रिमूव स्टेम बोरर एग मासेस बाय डिपिंग ऑफ टिप ऑफ राइस सीडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग, क्योंकि स्टेम बोरर के जो एग मासेस हैं वो राइस के लीफ टिप पे होते हैं, तो उन्हें हमें कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में डिप करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं, या फिर जो सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांटिंग से पहले लीफ टिप को काट देनी चाहिए जिससे कि एक मासेस नष्ट हो सकें। सेलेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी, सेलेक्ट एंड यूज रेजिस्टेंस वैरायटीज अगेंस्ट मेजर पेस्ट, जस्ट लाइक महामाया, इंदिरा, IR36, MTU 1010 एट्सेट्रा। मैनेज केस फॉर्म बाय पासिंग रॉप ऑन क्रॉप एंड ड्रेनेज वाटर, रिलीज एग पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम ऑन 30 एंड 37 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग,
रिलीज एग पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एंड बैक्टीरिया लाइक बैसिलस थुरिंजिनेसिस अगेंस्ट लीफ फोल्डर। यूज ऑफ नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5%, एनएसके 5% और लीफ ऑयल 2% अगेंस्ट ईयर हेड बग। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एज नीड बेस्ड एप्लीकेशन इफ पेस्ट रीचेस ETL। Here is ETL of some major pest of rice, just like stem borer 10% dead heart or 2% white ear, gall midge 10% silver shoot, leaf folder 10% leaf damaged. These are the ETL of major insect pest of rice. नेक्स्ट हम बात करते हैं IPM फॉर कॉटन। कॉटन के लिए IPM मॉड्यूल किस प्रकार से होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट एंड यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैराइटीज़, हमें रेजिस्टेंस वैराइटीज़ का यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग के लिए, पेस्ट मॉनिटरिंग के लिए लाइट ट्रैप का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड इज़ फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स। नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग ट्रैप क्रॉप जस्ट लाइक कैस्टर और ओकरा। नेक्स्ट इज मैनुअल कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ एग मासेस ऑफ स्पोरोप्टेरा लिट्यूरा। स्पोरोप्टेरा इज टोबैको कैटरपिलर, हम इनके एग मासेस को मैनुअली कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा हैंड पिकिंग ऑफ बाल वॉर्म लार्वी। बाल वॉर्म बहुत ही मेजर पेस्ट है कॉटन का, जिसे हमें हैंड पिक करके हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ इंसेक्ट वायसेस जस्ट लाइक NPV, SINPV या फिर HANPV, जिसको हम स्पोरोप्टेरा लिट्यूरा या फिर हेलिकोबार्पा अर्मिजेरा के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड रॉटून एंड डबल कॉटन क्रॉप, डबल कॉटन या फिर रॉटूनिंग को हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो पेस्ट है रेस्ट्यू के रूप में बचे होते हैं, नेक्स्ट सीजन पे फिर से आ सकते हैं। इसलिए डबल क्रॉप नहीं लेनी चाहिए, एक ही क्रॉप से डबल सीजन हार्वेस्टिंग नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स इन फील्ड। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइज सोइंग टाइम एट विलेज लेवल। नेक्स्ट इज फॉलो क्रॉप रोटेशन विथ अनरिलेटेड क्रॉप जस्ट लाइक राइस और अदर सीरियल क्रॉप्स। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ अल्टरनेट होस्ट, जुडिशियस यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर टू मैनेज हॉपर्स एंड वाइट फ्लाइज। बिकॉज मैंने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में बताया, जो कि प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ में सहायक होते हैं, बट प्लांट उससे बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। यूज ऑफ येलो स्टिकी ट्रेप्स फॉर वाइट फ्लाइज, वाइट फ्लाइज के अगेंस्ट हम येलो स्टिकी ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्व IRM, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट का यूज़ करना चाहिए, उसके ध्यान रखना चाहिए इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट का। ट्रीट सीड विथ इमिडाक्लोपीड 7.5 ग्राम पर kg सीड ऑफ कॉटन टू मैनेज अर्ली स्टेज सकिंग पेस्ट। अर्ली स्टेज सकिंग पेस्ट जो होते हैं वो सीड्स के जर्मिनेशन के तुरंत बाद आ जाते हैं, तो इसीलिए उनसे बचाने के लिए इमिडाक्लोपीड से हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। प्रीडेटर जस्ट लाइक क्राइसोपरला कॉर्निया हम यूज़ कर सकते हैं। क्राइसोपरला कॉर्निया इज़ अ प्रीडेटर, ऑर्डर कोलियोप्टेरा के प्रीडेटर होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एक पेरासिटॉइड जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा या लार्वल पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ब्रैकोनिड्स, हम इनको भी फील्ड में मास रिलीज कर सकते हैं। अप्लाई इंसेक्टिसाइड्स ओनली बेस्ड ऑन नीम, क्योंकि हमें केमिकल्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, इसलिए हम नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। कुछ इंसेक्ट पेस्ट और उनके ETL लेवल दिए हुए हैं, जस्ट लाइक व्हाइट फ्लाइज 5 नीम पर लीफ, या बॉल वॉर्म 10% डैमेज ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेम वेविल 10% इन्फेस्टेड प्लांट, स्पोरोप्टेरा लिट्यूरा 8 एग मासेस पर
100 मीटर रो, प्रति 100 मीटर रो पे 8 1 मास अगर मिलता है तो उसका ETL लेवल होता है स्पोरोप्टेरा लिट्यूरा का। तो इस प्रकार से ETL लेवल कुछ इंसेक्ट पेस्ट के दिए हुए हैं। आज के लिए गाइस बस इतना ही, थैंक यू।